है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो आज हम रिएक्ट कर रहे हैं मेरे फेवरेट इंजीनियर मोहम्मद अली बिरजा साहब के एक बयान के ऊपर जो है प्रैक्टिकल ऑफ माय प्रॉफिट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें हमारे नबी के वो कौन से मिरेकल्स के बारे में पता चलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अनस इब्ने मालिक कहते हैं मैंने आज तक कोई हाथ ऐसा नहीं छुआ जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक हाथ था। वो कहते हैं कोई दुनिया की रेशम और दिबाच उससे ज्यादा नरम नहीं थी जो नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक हाथ था। रेशम के साथ मिसाल दी है। ये नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो आपने बड़ी अमीरों वाली जिंदगी गुजारी थी, आपने तो मजदूरी की है, उसके बावजूद अल्लाह ने एक प्रोटोकॉल दिया कि हाथ उनका बहुत नरम था। उसी बुखारी मुस्लिम की हदीस में आता है कि मैंने आज तक कोई मुश्क और अंबर की खुशबू ऐसी नहीं सूंघी जो नबी अलैहिस्सलाम के पसीना मुबारक से और आपके मुबारक हाथों से आती थी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, एक साहबी कहते हैं मैं छोटी उम्र का था तो हुजूर ने एक दफा मेरे हाथ अपना हाथ मुबारक मेरे सर पे फेरा तो कहते हैं मुझे लगता है कि आप अलैहिस्सलाम ने हाथ मुबारक किसी अतरदान से निकाल के मेरे सर पे फेरा, इतना खुशबूदार था। तो आप अलैहिस्सलाम के पसीने से खुशबू आती थी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि उम्मे सुलैम कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम एक दफा सोए हुए थे तो आपको सोती हुई हालत में बहुत पसीना आता था, तो एक खुले बर्तन के वो लेके आई एक खुला बर्तन और नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक पसीने को उन्होंने जमा किया। हुजूर की आंख खुल गई, आप फरमाया ये क्या? उनका जी इस तरह आपका पसीना इंतहाई खुशबूदार है, हम इसको खुशबू के तौर पर अपनी खुशबू में मिला के इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुशबू में भी खुशबू करने के लिए। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि एक औरत आई कि मेरी बच्ची की शादी है तो मैं आपका पसीना लेने के लिए आई, ठीक है, खुशबू के तौर पे। अच्छा, वो बुखारी मुस्लिम की उस हदीस में उम्मे सुलैम ने जब ये जवाब दिया तो हुज़ूर ने फरमाया तुमने अच्छा काम किया, यानी आपने उसकी तारीफ की, पसीना मुबारक आपकी तो हर चीज ही जनाब कमाल है। तो किस किस बात का जिक्र किया जाए, मैं घंटों इस पे फिलवदी कई अहदीस बयान कर सकता हूँ आपके तबरुकात के ऊपर। सही मुस्लिम में हदीस है नबी अलैहिस्सलाम फजर के बाद सख्त सर्दियों में भी जब निकलते तो मदीने के लोगों ने अपने गुलाम बाहर खड़े किए होते बर्तन उठा के, आप अलैहिस्सलाम एक एक बर्तन में अपना हाथ डालते जाते थे बरकत के लिए। बुखारी मुस्लिम में कितनी हदीसें हैं कि नबी अलैहिस्सलाम वजू करके जब फारग होते थे तो सहाबा किराम आपके वजू का पानी अपने चेहरे पे मलते थे, वो एक तश्त में आपको वजू करवाया जाता था ना एक बर्तन के अंदर उससे, और जिसको नहीं मिलता था वो दूसरे से लेके मल लेता था बरकत के लिए। जाहिर है वो तो बरकत ही है, ये तो छोड़ दें थूक मुबारक की क्या बरकत है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हजरत अली को अशोबे चश्म था गज़वे खैबर के मौका पर, हुज़ूर ने जब बुलाया तो उनकी तो आंखें भी नहीं खुल रही थी, आपने मुबारक लुआब लगाया तो शिफा होगी। अशोबे चश्म एक वायरल डिजीज है सर, मैं इसको भुगत रहा हूं, 2016 में भी थी, आज 2020 हो गए, मेरी आंखें दोबारा रिकवर नहीं उस तरह हो सकी। तो एक लम्हे में जनाब अशोबे चश्म खत्म हो जाए क्या ही बात है। फिर आपने मुबारक हाथों से जीरा बांध के तो हैबर के लिए रवाना किया, तो आपकी मुबारक थूक की बरकत। इस तरह बुखारी मुस्लिम में कई अहदीस हैं कि आपने अपना नवाबे दान किसी कुएं में डाला है पानी ऊपर आ गया, खाने में डाला है खाना 10 बंदों का था 300 बंदों ने खा लिया और उतरेगा उतना है, काम ही नहीं हो रहा, भूख मुबारक की बरकत, हाथ मुबारक की बरकत। बुखारी मुस्लिम में आता है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर सारे लोगों से पानी थोड़ा थोड़ा जमा करके एक कटोरा जमा हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उसमें रखा, उसमें से पानी के चश्मे निकले, 1500 सहाबा ने, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, वजू किया, पानी पिया, जानवरों को बुला लिया और अपने मशकीजे भी भर लिए। वो ताबी कहते हैं कि वो पानी कितना था, उन्होंने कहा वो देखने को तो एक कटोरा था लेकिन हुजूर की उंगलियों से जो चश्मे निकल रहे थे ना वो पानी इतना ज्यादा था कि 1,00,000 भी हम होते ना वो पानी 1,00,000 को भी किफायत करता था। तो आपके मुबारक हाथों की बरकत थी। सही बुखारी में आता है एक सहाबी की पिंडली टूट गई, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया टांग सीधी कर अपना हाथ फेरा, वो कहते हैं अल्लाह की कसम इस तरह होगी कभी टूटी नहीं थी,
हालांकि सर पिंडली टूट जाए ना, इसका क्योरिंग पीरियड 6 से 8 हफ्ते है और सालों इसकी इतिहास चलती है, आप दोबारा नहीं वो बांध सकते। और चाबी कहते हैं मुझे याद भी नहीं टूटी थी। मौजजा बुखारी मुस्लिम में आता है को एक शख्स ने जुम्मे के खुतबे के दौरान कहा, या रसूलल्लाह मवेशी इलाकों के दुआ करें बारिश के लिए। दुआ की, उसी टाइम बारिश शुरू हुई, अगले जुमे तक जारी थी। अगले जुमे वही बंदा खड़ा हो गया कि हमारे घर जो है वो अब पानी उनमें टपकने लगा, आप बस ये दुआ करें कि जमीनों पे साइड पे हो, घरों पे ना हो। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, आपने यूं उंगली से बादलों को इशारे किए। सर अब जिन साहबा ने ये मंजर देखा हुआ था, सही बुखारी में आता है इब्ने मसूद कहते हैं हम हुजूर के साथ खाना खाते थे, हम उस खाने के नवालों में से तस्बीह की आवाज सुनते थे। ये तो बरकत आपकी थी। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि एक सफर के दौरान हुजूर ने मुझे कहा दो दरख्तों को कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं मिल जाओ, मैंने रफा हाजत कर दी। वो जड़ों समेत उखड़ के इकट्ठे हुए, कहते हैं मैंने हुजूर को पानी दिया, आप संजय करके फारिग हुए, आपने यूं उंगली से इशारा किया, वापस अपनी जगह पे चले गए। ये चीज सहाबा किराम के ईमान को बड़े ऊपर के लेवल पे ले जाती थी। और ये तो नबी इस्लाम के डायरेक्ट तबरुकात है। आपके बाल मुबारक जो आपसे टूट के अलग हो चुकी है, उनकी बरकत भी आप सुने। सही बुखारी में आता है कि उम्मे सलमा ने हुजूर के चंद बाल निकाले एक डिबिया में से, सहाबा मुलाकात के लिए गए उम्मुल मोमिनीन से, उनका ये हुजूर के बाल हैं और जब भी कोई बीमार होता है तो मोहल्ले में से मुझे पानी का बर्तन भेज देता है, हम उसमें घोल के देते हैं, शफा हो जाती है हुजूर की फात के बाद। और बाल मुबारक तो फिर भी जिस्म का हिस्सा है, कुर्ता मुबारक तो जिस्म का हिस्सा भी नहीं है, ये तो अलग से एक चीज है ना। सही मुस्लिम में है कि सरवानी त्यालसी जुब्बा अस्मा इब्ने बिनते अबी बकर ने हजरत आयशा की बड़ी बहन ने निकाला और कहा ये रसूलल्लाह का कुर्ता है जिसके ऊपर यहाँ पे गोट भी लगी हुई थी, काले कलर का था, बाई चांस आज मैंने भी काला कपड़े पहने, ये सुन्नत है। तो वो कहती हैं कि हजरत आयशा की वफात के वक्त मैंने अपनी बहन से ये कुर्ता ले लिया और हुजूरी से पहनते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए देते। ये सारी आपकी बरकत है। आप अलैहिस्सलाम एज ए स्पीशीज इंसान जरूर थे, मर्तबे में और क्वालिटीज में कोई इंसान उनके बराबर नहीं था। बुखारी मुस्लिम में आता है कि आप अलैहिस्सलाम पीठ के पीछे भी देख लेते थे। आपने फरमाया बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है कि अपनी सफ़े सीधी रखा करो और नमाज खुशू से पढ़ा करो, अल्लाह की कसम मैं अपने पीठ के पीछे से भी तुम्हें देख रहा होता हूं। इन्हें हुजूर इस्लाम को पीछे भी नजर आता था आंख के बगैर। ये मौजज़ा है, ये अल्लाह ने आपकी स्पेशल प्रोटेक्शन की हुई थी, आप पे वो पीछे से भी हमला नहीं कर सकता था, आप हर तरफ 360 डिग्री का आपको वीएन हर वक्त नजर आता था, ये आपका मौजज़ा था। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है वो कुसूफ की नमाज आपने पढ़ाई सूरज ग्रहण की, आज भी मेरा लगा हुआ था ये एक दो दिन चलना है, तो कुसूफ की नमाज पढ़ाई तो आपने नमाज के दौरान कुछ कदम आगे किए, फिर यूं हाथ बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया। साहबा ने कहा या रसूल आज आपको एक अमल ऐसा करते देखें जो पहले नहीं करते। आप फरमाया कि मैंने जब निगाह उठाई तो मैंने जन्नत देख ली, जन्नत सातों आसमानों के ऊपर, और उसमें मैंने अंगूरों का एक गोशा देखा, मैंने इरादा किया तुम्हारे लिए तोड़ लूं, फिर तुम खाते ही रहते, क्योंकि जन्नत को फना नहीं है, वो अगर गोशा नीचे आ जाता ना असी भी खा रहे होंगे जी। जन्नत को मौत नहीं है, जन्नत में आप जब खाएंगे खा के फारे होंगे फिर वहां एक गोशा और लग जाएगा। जन्नत को छोड़ दें, बुखारी मुस्लिम में आता है हजरत अबू हुरैरा को हुजूर ने वो एक थैली में खजूरें दी थी, पूरी जिंदगी खाते रहते थे, वो एक दफा उनसे फिर उलट गई तो उसके बाद वो हुआ, जब तक वो खाते रहे ठीक है। तो आप इस्लाम आप देखें कि निगाह कहां पहुंची है, जन्नत में, हाथ भी पहुंच रहे। ये जो लोग बाज़ुकात गुस्ताही करते हुए कहते हैं नबी के भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, इस तरीके से कभी भी किसी सहाबी ने तौहीद नहीं बयान की है, ये नॉनसेंस अप्रोच है। आप एक बात तरीके से बयान करें जो हदीस में आई है कि मैं भी एक इंसान हूं, अल्लाह का कासिद करीब है, मेरे पास आए मौत का फरिश्ता और मैं भी चला जाऊं, जो गदीरे खुम के शुरू में आती है। इस तरीके सजदा साहब की हदीसें जो बुखारी मुस्लिम में आती है, मैं भी एक इंसान हूं जिस तरह तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूं। अब ये अल्फाज इस्तेमाल करें, बाकी आप अलैहिस्सलाम की जो क्वालिटीज अल्लाह ने आपको दी है वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है
आपकी एक एक चीज को अगर कंसिडर किया जाए ना तो उस पर घंटों बोला जाए। ये तो हकीकत है कि मतलब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब सुनना शुरू कर दें या जो बोलते हैं जिनको वो डेप्थ नॉलेज है वो जब बोलना स्टार्ट करें तो चाहे वो मतलब महीनों सालों बोलते रहें लेकिन थकेंगे नहीं। और उनकी तो इतनी ज़्यादा उनके बारे में जितने भी अभी तक मैंने सुना है हर चीज़ में उनकी खूबसूरती थी, हर चीज़ में उनकी शिफा थी। और ऐसा नहीं है कि हम बोले कि जैसे इंजीनियर साहब ने भी लास्ट में बोला है कि क्या है, कई लोग बोलने वाले ऐसे भी बोल देते हैं उनके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, मीन्स वो उन्हें ऐसा ही एज ए ह्यूमन बीइंग कंसीडर करके कि मतलब हम भी ऐसे ही हैं ह्यूमन और ये भी ऐसा ही है, तो इनमें और हम में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस यही था कि उनके ऊपर उस खुदा की इनायत थी और उन्होंने उन्हें ऐसा बनाया था कि मतलब उनका ना तो कोई बुरा कर सकता है ना उन्हें कोई जैसे कि उन्होंने बताया कि वो चारों तरफ से मतलब 360 डिग्री के एंगल से देख लेते थे तो कोई उनके पीछे से भी मार नहीं सकता था। और उनके साथ जो लोगों ने बुरा किया भी था तो वो भी बाद में उन्हीं को फॉलो करने लग गए थे, और जो उनके पसीने की बात बताई है वो भी हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में देखी हुई है, और जो उन्होंने ऐसे उसमें बॉल में ऐसे हाथ डाले थे फिर पानी पानी आने लग गया था जब वो अपने सहाबा और अपने फॉलोअर्स के साथ में कहीं जा रहे थे तो उस टाइम पे वहाँ पे पानी उन्हें चाहिए था वजू वगैरह करने के लिए तो पानी था नहीं, तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे उस बॉल में हाथ डाला उसके बाद में पानी पानी वहाँ आने लग गया था, और जिससे कि लोगों ने वजू भी किया, नहा भी लिए थे, कपड़े भी धो लिए थे। और वो बोल रहे थे कि अगर उस टाइम पे यहाँ पे मतलब अभी तो हम लोग गिने चुने ही लोग हैं, और अगर हम लोग ज़्यादा भी होते मीन्स अगर 100,000 लोग भी होते तो वो भी आराम से यहाँ पे नहा धो सकते थे और अपना मीन्स पानी उनके लिए कम नहीं पड़ता। तो ये सब कुछ मतलब कुछ नहीं बहुत कुछ जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं कि उनका जो पसीना था इतना खुशबूदार था, वरना मतलब अगर किसी बंदे को स्वेटिंग भी होती है और वैसे अगर किसी हम बोले कि नॉर्मल इंसान को स्वेटिंग होती है तो थोड़ी देर के बाद में स्मेल आने लग जाती है। चलो कई बार कई लोगों का नॉर्मल स्वेटिंग तो होती है बट स्मेल बिल्कुल नहीं आती, बट एटलीस्ट खुशबू आना तो पॉसिबल नहीं है। हम नहीं कभी नहीं देखा होगा कि किसी की किसको स्वेटिंग हुई और बंदा सामने वाला बोले कि वाह क्या फ्रेग्रेंस है, तो ऐसा तो कोई नहीं बोलते, बिकॉज फ्रेग्रेंस तो आना उनसे पॉसिबल ही नहीं है। और बट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने को लोग कलेक्ट करते थे, एक ने तो अपनी बेटी की शादी में लोगों पे स्प्रे करने के लिए भी उनका वो पसीना लेकर गए थे। अगेन मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में या उनकी खुद उनकी खूबसूरती के बारे में जब मैं कुछ भी सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है और मन करता है कि बस सुनते ही रहें सुनते ही रहें। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।